प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अ सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक गंभीर मुद्दे पे वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया लाई खान जी को, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो अपना इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को। और ये इंटरव्यू होगा इंडियन नेवी के जो 8 ऑफिसर जिनको कतर में मौत की सजा सुनाई गई है उस पर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अफसोसनाक खबर जिसने सोशल मीडिया की तवज्जो अपने तरफ खींची है, कतर ने 8 एक्स इंडियन ऑफिशियल नेवी को सजाए मौत की सजा सुना दी है। हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कतर की जानिब से ऐसा ऐलान क्यों किया गया, क्या हकीकत है इस वाकये की? वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले 8 महीने से शैला ये हियरिंग चल रही थी कोर्ट के अंदर, और अचानक से कल जब ये बात देर रात हमारे सामने आई तो हर वो भारत का व्यक्ति जो भारत की भूमि से बे इंतहा मोहब्बत करता है उसकी आंखों में पानी तो जरूर आया। इस भारत ने अभिनंदन को आते हुए और खुशियां मनाते हुए भी देखा, और इस भारत के दिल में एक बहुत बड़ा चोट कहीं ना कहीं सरबजीत के लिए आज भी है, जो पाकिस्तानियों ने उसको बहुत बुरे तरीके से जेल की सलाखों में सजा और मौत दी थी। अफसोस इस बात का है कि सरबजीत के वक्त मोदी जी की सरकार नहीं थी, और खुशी इस बात की है कि अभिनंदन के वक्त में मोदी जी की सरकार थी और सीना ठोक कर हम बॉर्डर के इस पार लेकर के अभिनंदन को आए थे और उसका वंदन अभिनंदन किए थे। अब आती है बात कि हमारे भारत के 8 पूर्व फॉर्मर नेवी जो अलदेहरा में एक प्राइवेट कंपनी में कतर में काम कर रहे थे, वहां पर नेवी प्रैक्टिस कराना, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, ये सारे काम वो कर रहे थे। एक झूठे आरोप के जरिया उन 8 नेवीज को, जिनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ कैप्टन अमित नागपाल, कैप्टन पुरनेंदु तिवारी, कैप्टन सुगंधकार पकाला, कैप्टन संजीव गुप्ता और सेलियर राजेश। अच्छा, सबसे बदतमीजी वाली हरकत और बियॉन्ड द लॉ कतर ने एक हरकत की है कि इन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लीगल वर्ड में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एक ग्रुप में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अलग अलग जेल के अंदर रखा जाए, अलग अलग लॉकअप के अंदर रखा जाए, ये भी किया। साथ साथ 30 अगस्त 2022 को जब इन लोगों ने अपनी पहली बेल याचिका डाली थी तो उस बेल याचिका को कतर सुनने से भी इनकार कर दिया था। एक सुबह आया और सुबह सुबह एकदम अलग सुबह उठा करके डिटेन करके ले गया। अब बात आती है कि कतर ने जो हरकत करके दिखाई है, अब कतर का पर कतरने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमने हमेशा इनको भारत के प्रति और भारत के नागरिक के प्रति बहुत भावुक देखा है। अब चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे भारतीय नागरिक को ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक बिना विदाउट एनी वन स्क्रैचेस वो उनको लेकर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भारत के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। तो जो इमोशनल अटैचमेंट हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय नागरिकों से है वो 9 साल में देखा गया है, इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। अब बात आ रही है कि हमारे 9 फॉर्मर नेवीज है जिन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है और कतर जाकर के वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहे थे और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। अब उन पर झूठा आरोप लगाना, उनकी बेल याचिका को ना सुनना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनकी बातों को ना रखने देना, किस धाराओं पर उनको अरेस्ट किया गया है इसको भी रिवील ना करना, कोर्ट के अंदर क्या सबमिशन हुई है, हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को वकील दिया भी गया कि नहीं दिया गया, तो ये सारी बातें अब जो है वो चर्चाएं आम पर आ रही है।
अजय डोवल जी के साथ साथ, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ साथ, गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्टर, सारे जो हैं वो बिल्कुल चौकन्ना हो चुके हैं। और रात देर रात मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के कैबिनेट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, कल रात की ही बात मैं बता रही हूँ, कि इस पर पूरी नजर रखी जा रही है और उन धाराओं को पता करने की बात कही जा रही है कि आप धाराएं बताएं कि आपने किस वजह से डेथ पेनल्टी सेंटेंस दिया है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि जो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर है उनके घर वालों की क्या हालात है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने उनको पता ही नहीं है घर वालों को कि 8 महीने से उनके घर का महत्वपूर्ण व्यक्ति कहां गायब है। मतलब आतंकी दिमाग की हदों को पार किया है कतर ने, और यह सिलसिला आज से नहीं स्टार्ट हुआ है। देखिए, कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इजराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरैन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अरब के पास में इतू सा छोटा सा एक जगह है जिसका नाम कतर है, इतू सा है, जहां पर हमास के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की इंटीरियर बहुत खूबसूरत ऑफिस है, हिजबुल्ला जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बहुत खूबसूरत ऑफिस है। क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हैं तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान ISI की भी बहुत खूबसूरत ऑफिस कतर के अंदर है, और कतर कई बार पाकिस्तान को फंड किया है, जब लश्कर-ए-तैयबा हुआ करता था, अजमुल मुजाहिदीन था, अभी भी काम कर रहा है अजमुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा तो खत्म हुआ क्योंकि कश्मीर में 370 आ गया। तो ऐसे ऐसे इंटीरियर खूबसूरत ऑफिसेस कतर में हैं, जिस चीज को कई बार बहरैन ने, सऊदी अरबिया ने, इजिप्ट ने, इजराइल ने बार बार नोट डाउन करवाया था खतर को कि तुम अपनी इस हरकत को खत्म करो। इवन आपको भी पता होगा और इस देश में कई लोगों को, इस दुनिया के कई लोगों को पता है कि कतर की तरफ से एक अलजजीरा बोल करके एक न्यूज चैनल आता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने की बात की जाती थी। उस अलजजीरा को भी भारत में बैन किया गया, सऊदी अरबिया में बैन किया गया, बहरैन में बैन किया गया, इजिप्ट में बैन किया गया, इसराइल में बैन किया गया, दुबई और शारजा में भी बैन किया गया कि अलजजीरा सिर्फ और सिर्फ आतंकी बातें करता है और भड़काने की कोशिश करता है मुसलमानों को। यही कतर है जिसने फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था और टूर्नामेंट मैदान के बीच में इसने भगोड़े जाकिर नायक को, जो चोर चुट्टा है जिसने इस्लाम के नाम पर खरबों रुपया फितरा और जकात के नाम पर लूटा है लोगों को, उसने कतर ने फुटबॉल स्टेडियम पर जाकिर नायक को बुलाया था और वहां पर भी सऊदी अरब ने उसको पॉइंट आउट कराया था कि ये तुमने ठीक नहीं किया है। अब खतर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये अब माफी के काबिल नहीं है, और इसका पर कतरने के लिए अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी एकदम खड़े हो चुके हैं, बहुत बुरा हालत करने वाले हैं। ये भी चीज सामने आ रही है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है और कतर ने ये अपनी ना मार्केटिंग करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि कतर कहीं ना कहीं दुनिया की नजरों से ओझल हो रहा था, तो उसने कहा कि चलो जी इस तरह से जो है मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। जिस तरह से भारत ने कनाडा को शट अप बोल दी, उसके साथ साथ अमेरिका की बात की जाए तो भारत ने कभी अमेरिका की नहीं सुनी, रशिया के मामले में भी अमेरिका ने भारत को कहा कि तेल ना करो, भारत अपनी ही हमेशा करता रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मामले के लिए क्या अमेरिका मदद करेगा भारत की, क्योंकि हमने ये देखा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस फॉरेन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा कि कतर जो है इन 8 अफसरान को जो है फांसी दे पाएगा। आप इंडिया से हैं तो इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है अमेरिका को लेके, और साथ साथ आपकी जो पॉलिसीज है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारे बायलैटरल रिलेशंस, हमारी फॉरेन पॉलिसीज अभी 9 सालों में नंबर 1 पे चल रही है, और ये पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो कोई भी ममालिक हो, वो हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता है। जब पाकिस्तान को समझाने की बात थी तो शादी अटेंड भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के डिसीजन पर शादी अटेंड कर लिया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा समझ जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा, तो ऐलानिया भारत के प्रधानमंत्री ने कहा
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कि हाथ में कटोरा देंगे और कटोरा आ गया। कनाडा को समझाने की कोशिश की 9 और 10 सितंबर को भारत में जब G20 की समिट हो रही थी कि खालिस्तानियों का पीछा छोड़ो, वो गलत है, आतंकवाद को वो हवा दे रहा है, और नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं छोड़ने की कोशिश की, तो आज कनाडा पूरा खत्म है। हमास को समझाने की पहले बहुत कोशिश की गई थी, देखिए फलस्तीन बैकफुट पर आया और हमास और गाजा पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री की एक बात ऐलानिया है कि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का वक्त आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कतर ने अपने दिमाग में ये शैतानी बुद्धि डाली कर जब आईमैक कॉरिडोर G20 की समिट में जो जितने भी सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक, इजिप्ट है, बहरैन है, ये सारे लोग अमेरिका जब आपस में मिल करके गले लग रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, और आईमैक कॉरिडोर की बात उठी और उसके मेमोरेंडम को साइन करने का बिल्कुल सिनेरियो बैठ गया, तब कतर को ऐसा लगा कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो मेरा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, और एक बार अगर भारत ग्लोबल पावर बन जाएगा, एक बार अगर भारत ग्लोबल पावर बन गया तो फिर कतर जैसे, हमास जैसे, पाकिस्तान जैसे, लीबिया जैसे, सीरिया जैसे टेररिस्ट देशों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रातों रात खत्म किया जा सकता है। और भारत में इतनी ताकत है, अगर भारत ये आईमैक कॉरिडोर के जरिया भारत ग्लोबल पावर ले लेता है तो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और देश को एकदम चुटकियों में खत्म कर देगा। इसलिए कतर ने अपने जलन को, अपनी वो होता है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खंबा नोचने के लिए मासूम हमारे 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर को सुबह सुबह अलग सुबह उनको आधे कपड़े में उठाया है और उठा करके डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद धाराएं भी नहीं बताई हैं, उनके मर्सी पिटिशन को भी सुनना नहीं समझा है, उनके परिवार वालों को बताया भी नहीं 8 महीने से, और कल जो है उनको डेथ पेनल्टी सुनाई है। अब भारत तैयार है भैया इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए, और इंटरनेशनल कोर्ट में जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जब व्हाइट का व्हाइट और ब्लैक का ब्लैक होगा, तो कतर के पास शर्मिंदगी और भारत की सरकार के सामने घुटने टेकने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं बचेगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाइक खान जी का दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।